क्या आप सभी सो यस गाइस, आज के इस वाले मैच में एक आया था एकेएम ग्लेशियर वाला बंदा जिसमें ऑन हिट इफेक्ट निकलता है एकेएम के अंदर, वो सामने खड़ा है लेकिन मैं फुल इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं अपने में ही तीन अलग अलग सेट से, जो कि पहला है फॉरेस्ट एल सेट, दूसरा अपना जोकर सेट एंड तीसरा येलो ममी सेट। एंड अब इन दोनों में से देखना है कि भाई सबसे ज्यादा किल कौन करता है। मैं बीच बीच में आउटफिट चेंज करूंगा और जो मेरा टारगेट है करीब 30 किल का, मतलब कि हर एक आउटफिट के साथ मेरे को 10 किल निकालने हैं, यानी फॉरेस्ट एल्फ सेट के साथ यानी जिसको जोनाथन वाले आउटफिट बोलते हो आप लोग, उसके साथ मेरे को 10 किल निकालने हैं, देन फिर उनको आउटफिट चेंज करने हैं एंड उसके बाद जोकर सेट या फिर मम्मी सेट लगाता हूं तो मम्मी सेट के साथ मेरे को 10 किल फिर से निकालने हैं एंड उसके बाद फिर चेंज करके फिर 10 किल निकालने हैं। यानी इस मैच में मुझे 30 किल करने हैं और एक तरह से कहा जाए तो भाई अपनी जो पिंग है वो 20-30 की आ रही है, यानी एक पबजी वाली इंडिया वाली फीलिंग आ रही है मेरे को क्योंकि यहाँ पर ग्लोबली सारे बंदे हैं लेकिन इंडियन पिंग आ रही है अपने को 20 की। एंड देखना ही होगा कि भाई आज कितने बंदे हम लपेट देते हैं एंड कौन सा सेट हमारे लिए अनलकी साबित होता है। पहला फॉरेस्ट एल्फ सेट है, देखना बहुत बंदे गंदे तो बाहर 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 You're in the middle. Watch out. अब यहाँ पे फॉरेस्ट एल सेट जो है मेरे लिए थोड़ा अनलकी साबित होगा क्योंकि जो मैंने किल नॉक किया था अभी जिस बंदे को नॉक किया था वो बंदे का किल कोई और ले जाता है एंड जिसके पे नीड डालने वाला वो वहीं से मेरा किल चोरी कर जाता है एंड मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खैर अभी डायरेक्टली रश करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं फॉरेस्ट एल सेट पहन के अगर नॉक हो जाता हूँ तो मेरे लिए ये जो सेट है अनलकी साबित हो सकता है एंड अगर मैं सीरियसली 10 किल से ज्यादा कर देता हूँ फॉरेस्ट एल सेट पहने हुए तो ये मेरे लिए लकी साबित करता है। देखते हैं अब क्या होता है, लकी अनलकी कौन सा सेट होता है। खैर यहाँ पे काफी सारे बंदे जो मेरे टीममेट्स को नॉक कर जा रहे हैं बैक टू बैक एंड वो देखो सामने वो वहां से दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ना एक आरपी वाली भी टीम है जिसके साथ मेरी भी फाइट होने वाली है। आरपी पे इन सभी पूरी स्क्वाड का नाम आया था, एक तरह से कह सकते हो आई थिंक स्ट्रेंजर नाम था इनकी क्लैन का। तो अब देखने वाले कि भाई कौन किसको लपेटता है क्योंकि अब जिसके जो नॉक करने वाला मेरे को ये वही है आई थिंक स्ट्रेंजर खान करके जो बंदा है, ये इनका पूरा आरपी पे नाम आया था बैक टू बैक सभी बंदों का। तो अब इनके साथ फाइट लेना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड यस गाइस अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी ये देखो फिर से नॉक किया उन्हीं लोगों ने हमारे टीममेट को और फॉरेस्ट एल सेट एक तरह से थोड़ा सा अनलकी साबित हुआ क्योंकि मैं नॉक हुआ इसमें और पीछे ही बंदा मैं भी आगे नीचे आगे मेरे मेरे पे हीलिंग वगैरह। खैर से यहां पे अपने टीममेट को रिवाइव देता हूं जिन्होंने नॉक किया था वही टीम है स्ट्रेंजर करके। तो भाई इनके साथ मैं बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है अगर मैं इनको 1v3 करता हूं तो गाइस एक बार जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर लेना एंड यस रिहान भाई ने सब्सक्राइब कर दिया यहां पे मेरे को अभी जस्ट नाम दिखा उनका। बाकी ये लोगों ने फ्लैंक करना शुरू कर दिया है। इधर ओपन से क्रॉस कर रहा बहुत देखा वो। अरे दो बंदे हो देख चलते होता तो भाई देखना यहाँ पे ना स्ट्रेंजर जो टीम है इसकी टीम के साथ फिर से मेरी फाइट होती है। यहाँ पे मैंने एक इजीली 1v3 कर दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मेरी फाइट होगी इनकी पूरी क्लैन के टीममेट से तो बहुत ही गलत होने वाला है। लेकिन अभी कुछ भी करके यहाँ से निकलना है एक तरह से देखा तो अपने 6 किलो गए इस जगह पे एंड अपने फॉरेस्ट एल्फ सेट के साथ एंड यहाँ से एक बंदे ने ना डीवाई को पूरा फिनिश कर दिया एंड बंदा गायब हो गया एंड एंड से कुछ नाम था उस बंदे का तो उस बंदे को हम आगे पकड़ने वाले हैं। जैसे मैं चेक करने जाता हूँ ये वाला लॉन्चर लगा के तो बंदा गायब हो गया। मैंने बोला भाई इतनी जल्दी नॉक फिनिश करके गायब भी हो गया। खैर उतने में फिर से कुछ बंदे आ जाते हैं यहाँ पे और आके मेरे टीममेट को फिर से नॉक फिनिश करके चले जाते हैं। एक टीममेट मेरा रिकॉल भी खत्म हो गया उसका एंड फाइनली अपने को वेब शूटर भी मिल गया है एंड अपने 8 किल हो गए हैं एंड इसी के साथ हम इस गाड़ी को उठाते हैं एंड अभी और 2 किल बाकी हैं अपने फॉरेस्ट एल्फ सेट के साथ। लेकिन सामने एक बग्गी लेके भाग रहा है एंड इसने ड्रॉप मंगा रखा है। अब
ये जो भाई था अकेले अकेले ड्रॉप लूटने की फिराक में थे, ऐसा लग रहा था भाई अपने टीममेट से अलग आके ड्रॉप ने मतलब इसने फ्लेयर मंगाई थी। खैर इसके बाद हम यहाँ से भगी उठाते हैं एंड अभी उसी टीम से हमारी फिर से फाइट होने वाली स्ट्रेंजर करके जो टीम है एंड स्पेशली एक 20 की पिंग आ रही तो इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ मैं, वरना तो भाई पिंग 30-40 मतलब 80-90 की होती है ना तो थोड़ा मैं पिंग मतलब पिंग की वजह से भी दिक्कत होती है मेरे को। लेकिन अभी स्कूल में बंदे कुछ ऊपर चले जाओ और ये वही है स्ट्रेंजर करके इनकी टीम एंड इनमें से दो बंदे मैंने नॉक फिनिश कर दिया एंड इसी के साथ एक बंदा रह गया इनका बस। अरे मॉली में का किसी ने बंदा है ना अभी वो नीचे बैठा है कहीं पे, ये वॉल पे बैठा है कहीं पे शायद। अरे ये ट्रक वॉल के पास, अरे मेरे यहाँ पे मैं निकालने वाला एक मॉली एंड यहाँ पे कुछ ऐसी फाइट होगी ना कि मैं 10वें किल के बाद मैं अपना आउटफिट चेंज नहीं कर पाया क्योंकि बैक टू बैक स्क्वाड आ रही है एंड मैं समझ नहीं पा रहा एंड अभी फिर से एक स्क्वाड रश करने वाली है मेरे पे। खैर यस ये मॉली पे फिनिश हो गया एंड इसी के साथ इसकी पूरी टीम गई यहाँ पे। सो गाइस लाइक कर दो यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो एंड आप लोग बताओ आप में से इन तीनों में से सबसे फेवरेट आउटफिट कौन सी है नीचे कमेंट करके बताओ। अरे यार फीलिंग नहीं है मैं से लो ना कहा हूँ ड्रॉप करो ना भाई, तभी तो बोला था नो कोट तभी तुमने बोला था मुझे लूट चाहिए तुमने हीलिंग नहीं बोला ना लूट वो गन भी आती है भाई। वाह कड़ी बाड़ी आ गई भाई दो जल्दी ऊपर चल हंटर ऊपर चल यहाँ मत रुक ऊपर हाँ बस गिर गए गेम ग्लिच है पूरा। ऊपर ही बैठा एक सीढ़ियों पे था ये अलग बंदा था उधर। और इसी के साथ ये भी टीम खत्म है एंड देखो बैक टू बैक टीम्स आ रही थी, मैं 10वें किल के बाद भाई सीरियसली मैं चेंज करने की सोच रहा था लेकिन मैं चेंज ही नहीं करवाया एंड फाइनली 17 किल करने के बाद अपना फॉरेस्ट एल सेट हटा के अब हम पहन रहे हैं येलो ममी सेट। हम देखते हैं अभी येलो ममी सेट हम कितने किल कर पाते हैं एंड क्या येलो ममी सेट अपने लकी या फिर अनलकी वो तो आपको आगे पता लगेगा। खैर मैंने एक तरह से ज्यादा किल कर दिए हैं, अब यहाँ से हम गाड़ी लेते हैं निकलते हैं क्योंकि 5th एनिवर्सरी के पास वहीं पे जोन बन रहा था एंड हमें उधर ही जाना था। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं एंड डीवाई को जिसने फिनिश किया था ना वो हमें मिल जाता है फिर से यहाँ पे। ओ चलाओ बग्गी, अरे यही तो मार रहा था मुझे। अब देखो यहाँ पे डीवाई का मैंने बदला यहाँ पे ले लिया फाइनली एंड ये देखो भाई मेरे टीममेट्स। खैर यहाँ पे ना आखिरी सर्कल हमारा कुछ इस जगह पे बनता है एंड मेरे को एक बंदा दिख भी जाता है यहाँ पे, मैं वेब शूटर यूज करता हूँ लेकिन अब देखना क्या होगा मेरे साथ। भाई सीरियसली बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को भाई मैं कैसे नॉक हुआ यहाँ पे एंड जो बंदे ने मेरे को नॉक किया बॉट और वॉट करके इसका नाम है तो भाई इस बंदे से बीमारी अभी बहुत गंदी फाइट होने वाली है एंड स्पेशली ये बंदा बहुत भगाने वाला अपने को। खैर यहाँ पे हील कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्रेट दिख रही है लेकिन भाई वो बंदा कहाँ गया नहीं पता। अब जैसे आगे जाता हूँ फिर से वही बंदा मेरे को मिलता है यहाँ पे एंड अभी अपना येलो मम्मी सेट की बारी है एंड एक किल हमने कर दिया इसके साथ। ये पीछे लगा था पॉसिबल नहीं उधर जाऊंगा। अब यहाँ पे जो बॉट और वॉट करके जो बंदा था ना भाई उसने मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया एंड उसको रिवाइव देने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जैसे हम उधर जाएंगे वो मारने लग जा रहा है। अब डीवाई को भी ऑलमोस्ट उसने डैमेज कर दिया है बट शायद से बचा नहीं बचा पाया एंड फाइनली उस बंदे ने इस मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया एंड यहां से मॉली आते हुए देखा मैंने पीछा ना मॉली आया उसका। अरे बैक से टच था ना तेरी बेटी। अरे कूदा
यस यार, यहाँ पे फाइनली उस बंदे को भी नॉक कर दिया जिसने हमसे आते ही फाइट ली थी, मेरे को नॉक कर दिया था, लेकिन मेरा किल भी चोरी हो गया है इसी बीच। खैर अब मैं यहाँ पे फिर से आउटफिट चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि 20 किल ऑलमोस्ट हमने कर दिया, अब तीसरे सेट की बारी यहाँ पे। एंड यस, अपना अभी फुल सेट है। बाकी तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि यार नेक्स्ट आप जो भी वीडियो बनाओ तो उसमें कौन से तीन सेट पहनो, नीचे कमेंट करके बताना, या फिर तीनों एक्स सूट पहनो या क्या, कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे अब काफी देर ढूंढने के बाद बहुत, मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से फास्ट करके वीडियो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे काफी ढूंढने के बाद कोई नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता। तो हम मजे में घूम रहे थे यहाँ पे, लेकिन उतने में एक कैंपर मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, एंड एकदम से अचानक से अब मैं अकेला बच गया यहाँ पे, क्योंकि एक टीममेट वैसे ही फिनिश हो चुका था एंड एक नॉक हो गया। एंड जिस जगह पे मैं घूम रहा था वहीं पे एक बंदा था, अब देखो एक बंदा दिखता है, अब मैं इसको नॉक कर देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे गलती से मैं रीलोड लगा दूंगा, और जब हम रीलोड लगा के जब लेट जाते हैं तो भाई हमारा बंदा खिसकता नहीं इधर से उधर, तो मैं रीलोड कर रहा हूँ एंड उसकी गोली चिपक जाती है अपने को आके, वो भी हेडशॉट। तो मैं बोलता भैया बड़ी ही तगड़ी चीज़ करी मैंने यहाँ पे। खास करके आपको मजा आया तो जरूर से लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बताओ कौन से आउटफिट पहन के हम खेले, तीन नेक्स्ट आउटफिट बताओ नीचे कमेंट करके। बाकी तो लव यू गाइस, बाय बाय।